हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेली में जो सस्पेंस ग्रुप होता है उसका यूज़ टेली में क्या होता है, कौन से ट्रांजैक्शन के टाइम पे, कौन से लेजर क्रिएट करने के टाइम पे सस्पेंस ग्रुप का यूज़ करना है, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आगे मैं एक वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको टेली की जो टोटल्स ग्रुप्स है उसका यूज़ कौन से लेजर क्रिएट करने के टाइम पे होता है और उसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे होता है, किस तरीके से आपका बैलेंस शीट तैयार होता है, किस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको आगे एक वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो को आप तुरंत ही सीख पाओ। तो आज के इस वीडियो में लोग सीखेंगे सस्पेंस ग्रुप का। अभी सस्पेंस ग्रुप का यूज़ कब होता है, तो इसके लिए आपको लेजर क्रिएट करना है सस्पेंस अकाउंट। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लेजर क्रिएट किया हुआ है और उसको आपको लेना होगा सस्पेंस अकाउंट में। तो इस लेजर का हम लोग यूज़ कब करेंगे, मैं यहाँ पे आपको मेरा बैंक का एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। जब भी आप कोई बैंक का स्टेटमेंट लेके बैठते हो और उस टाइम पे आप कुछ एंट्रीज करते हो पेमेंट की, रिसिप्ट की, तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टी से पेमेंट आया है तो उसने IMPS NEFT वगैरह किया रहता है, तो उस पार्टी का वहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया रहता है, तो आपको पता नहीं रहता कि वो पेमेंट किस पार्टी से आया हुआ है। तो उस टाइम पे उस स्टेटमेंट को आपको कंटिन्यू करने के लिए, वो एंट्री अगर आपको पास करनी है तो उस टाइम पे आपको सस्पेंस लेजर यूज़ करना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा डेमो करके किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा एक एंट्री है जिसमें मुझे ये 407 अमाउंट का पेमेंट आया हुआ है, बट मुझे पता नहीं है कि ये पेमेंट कहाँ से आया हुआ है। ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनी के ओनर किसी से पेमेंट लेना होता है या किसी को पेमेंट करना होता है तो ऑनलाइन वगैरह ट्रांजेक्शन कर देते हैं। जब आप स्टेटमेंट से अपना बैंक के ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तब उस टाइम पे आपको पता नहीं चल पाता है कि वो ट्रांजेक्शन किस पर्सन से, मतलब जो पेमेंट आया हो किस पर्सन से आया हो। यहाँ पे आप दो ट्रांजेक्शन देख सकते हो, इसमें भी सेम है, बट ये आपको नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से पेमेंट आया हुआ। तो इस टाइप की जब पेमेंट की आप एंट्री करोगे तो उस टाइम पर आपको सस्पेंस लेजर यूज़ करना होगा। जैसे कि ये पेमेंट आया है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सस्पेंस अकाउंट यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं अमाउंट ले लूँगा, डेबिट टू बैंक हो जाएगा। दूसरा एक पेमेंट है 22,112 का, इसके लिए भी मैं सस्पेंस लेजर यूज़ करूँगा। तो बाद में आप जब इस लेजर को आप ओपन करोगे तो फिर आपको करना क्या होगा कि ये सारे ट्रांजेक्शन अपडेट वाइज यहाँ पे डिटेल पूरा निकालोगे सस्पेंस अकाउंट का। तो फिर आप अपने जो कंपनी के ओनर है उससे डिस्कस करके आप कंफर्म करोगे कि ये जो 407 अमाउंट का पेमेंट आया है, या फिर आप पार्टी के स्टेटमेंट के साथ मैच करोगे तो उस टाइम पे भी आपको पता चल जाएगा कि ये 407 अमाउंट किस पार्टी से आया हुआ है। तो जब भी आपको पता चलता है कि ये पेमेंट समझ लो ये मिस्टर रमेश से आया हुआ है, तो फिर आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हो। इसको भी हम लोग सेम पर्सन से ले लेते हैं। मतलब जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करने चाहते हो, जैसे आपके ओनर ने किसी को पेमेंट दे दिया बट आपको नहीं पता है वो किस पर्सन को पेमेंट दिया हुआ है, उसके समय भी आप सस्पेंस लेजर यूज़ कर सकते हो। आपके ओनर ने किसी को कैश पेमेंट दे दिया किसी एक्सपेंस के लिए, बट वो एक्सपेंस किस ट्रैवलिंग एक्सपेंस है या रेंट एक्सपेंस है या कोई भी टाइप का एक्सपेंस है, बट आपको पता नहीं है कि वो कौन से एक्सपेंस के अगेंस्ट में कैश पेमेंट दिया हुआ है, तो उस टाइम पर भी आप सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट का यूज़ होता है, सस्पेंस ग्रुप का यूज़ होता है। तो दोस्तों, बस इस रूम में आपको मैं यही चीज़ गाइड करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।